इस गांव का नाम क्या है? थुंगोस है सर। थुंगोस ना? हाँ, थुंगोस चासपा। तो देख सकते हैं आप, आज ब्राउन बियर ने यहाँ पर अटैक किया है। तो इसमें टोटल 4 बेड़ू को इसने जो है अटैक किया है, जिसमें से 2 मिसिंग है और एक हम अभी लोगों से पूछेंगे कि लोगों में काफ़ी जो है डर का माहौल जो है यहाँ पर पैदा हुआ है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो हम यहाँ के थ्रोंगस के नंबरदार से भी बात करेंगे कि ये कब से हो रहा है। सर आप कुछ बताएंगे कब हुआ ये? शायद सुबह हुआ है सर। अच्छा, सुबह क्योंकि मालिक आगा सर बोलता है कि 11 बजे इधर रोड लगाए थे, 11-12 वक्त कोई नहीं था, इसके बाद सुबह ये आ गया है। हमको हर वक्त ये परेशानी करते हैं, 5-10 सालों से ये परेशानी करते हैं। मुर्गी का तो हिसाब नहीं है यहाँ पर लेने का। आज तो यहाँ पर एक ये बिछड़ा और बेड़ू मुर्गे भी ले गया है। अच्छा, हमको गवर्नमेंट से अपील है कि इसमें बहुत सी ये होना चाहिए, ये आप मुआवजा होना चाहिए, इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए और हमको यहाँ रात पर आदमी भी देना चाहिए इसमें। ठीक। बाकी नुकसान तो बहुत देता है। इससे पहले कितने दिन, कितनी बार ये अटैक हुआ है? 4 बार अटैक हो गया सर, मुर्गे ले गए उस टाइम। ठीक। फिर हम रात भर हम लोग यहाँ जाके बैठा तो ये कुछ नुकसान हम इधर उधर इसको भगाया। आज सुबह आ गया है और नुकसान क्या है बहुत। अच्छा, हमको ये मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक। मेहरबानी। तो हम इनके मालिक से भी थोड़ा सा जानेंगे। सर ये रात के 10:30-11 बजे तो हमने गश किया था। जी। तो उस वक़्त ये कुत्ते भूंग रहे थे, तो हमने उस वक़्त गश किया तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा भी ठीक था। हाँ। अच्छा, आसपास भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा दरवाज़ा ठीक है तो अब अंदर तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक। जब सुबह जब हमारे लड़कियों ने, हमारे भाभी जब अंदर दूध लेने गया तो अंदर जो है बिल्कुल सातिरान करके था, खिड़की में जाली लगा हुआ था, जाली भी चीर फाड़ के वहाँ पर जो मुर्गे थे, मुर्गी सबको भी खाया है और बेड़ू भी खाया है, बिछड़े भी, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान दिया है। तो इसका तो हमें हमेशा इसका ख़तरा है, क्योंकि आज तो खैर आज तो इतना नुकसान दिया, पता नहीं आइंदा के लिए हमें इसका कोई ना कोई सुविधा होना चाहिए। जनाब, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारे गरीबों का यही गुजारा है, इसी पर हमारा गुजारा होता है, इसी से हमें माल मवेशी बेच कर अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं, तो इसका सबसे पहले तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ का, बाकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई रखवाली इसको देखने के लिए, हमारे जवान तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जवानों के सपोर्ट के लिए हमारे पास ना कुछ है ना सामान है, तो हम क्या करेंगे? अगर इसका इतना खतरा है कि अगर इंसान के साथ रूबरू हो जाएगा, ये इंसान को हमला करने का भी खतरा है। जनाब, कई बार हमारे ऐसा हुआ, सामना हुआ है जब आमने सामने हुआ है। मिसाल के तौर पर आज मैं अंदर जाता, हो सके अंदर वार कर रहा था, मैं यहाँ से उसको भगाता तो वो हमला करने का भी खतरा इंसान को है, तो इसलिए इसका बहुत मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए सबसे मतलब एक बेहतरीन अंदाज से इसका इंतजाम करना चाहिए। जनाब, शुक्रिया। अगर चेक मत तो हम उस जगह को भी दिखाएंगे जहाँ से इस जो बालू ने जो है अटैक किया है रात के वक्त, और जिससे 4 बेड़ू और 1 बैल और जिनमें 4 मुर्गियाँ शामिल हैं, उसका मेन गेट है जहाँ से बालू यहाँ इस साइड से तो नहीं आया, ये इस साइड से आया है ना सर? ये इधर से आया है और इधर आने के बाद जिस तरह से वो खिड़की बंद है, उसी तरह से ये वाली खिड़की भी बंद थी। तो यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह, जाली वगैरह लगी हुई थी और यहाँ से इसने अटैक किया है, और इसके अंदर जितने भी बेड़ू वगैरह थे उस सब को इसने नुकसान कर दिया है सर। तो ये है जगह जहाँ से ये आया है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई ना कोई रखवाली के लिए होना चाहिए और इसका मुआवजा भी इन्हें मिलना चाहिए। काफ़ी